اب آپ کے روبرو ہونے جا رہی ہے انجمن قضائے حسین سرولے سلطان پور. رہی ہے بہن صدا عباس, دے 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 رہی ہے بہن صدا عباس, اب نہیں کوئی آسرا عباس, دے رہی ہے بہن صدا عباس, دے رہی ہے بہن صدا عباس, اب نہیں کوئی آسرا عباس, دے رہی ہے بہن صدا عباس, اب نہیں کوئی آسرا عباس, دے رہی ہے بہن صدا عباس, اب نہیں کوئی آسرا عباس, دے رہی ہے بہن صدا عباس, اب نہیں کوئی آسرا عباس, کی فرمائش ہے. دامن علی اکبر کا بہن تھام کے بولی, بھیا تمہیں میدان میں جانے نہیں دوں گی. ملاحظہ کریں جہاں جہاں بھی حضرات تشریف فرما ہے, حضرات جب کربلا میں شہید ہو گئے, جناب علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آئے, بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے. امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا علی اکبر جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو. جناب علی اکبر آئے اپنی پھوپھی کے خیمے میں اور سر جھکا کے بیٹھ گئے. جناب زینب نے کہا بیٹا کوئی خواہش؟ ہاں پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دے دیجیے. جناب زینب نے کہا میرے لال کیا اسی دن کے لیے 18 سال پالا تھا چکیاں پیس کے؟ جناب زینب سے جناب علی اکبر نے ایک سوال کیا, پھوپھی اماں اچھا یہ بتائیے اگر روز محشر دادی اماں نے سوال کر لیا زینب تمہارا اکبر پیارا تھا کہ میرا حسین؟ بس شہزادی زینب نے کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ. جیسے ہی جناب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں ایک 4 برس کی بچی دامن تھام کے کہتی میرے بھائی صبح سے جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا, میں تمہیں میدان میں نہ جانے دوں گی. ملاحظہ کریں حضرات جہاں جہاں بھی تشریف فرما, تصور شرط ان شاء اللہ حق کے ماتا مدا ہو حیدا. دفنا کے مجھے قبر میں تب جائیے بھیا, اب کون خبر لے گا بیابان میں ہماری, بھیا تمہیں میدان میں جانے نہیں دوں گی. دامن علی اکبر کا بہن تھام کے بولی,
भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी। दामन समाप्त कर मोमिन जहां जहां भी तशरीफ फरमाता था वर्षा इंशाल्लाह के माता मदा हो। दामन अली अकबर का बहन थाम के बोली भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी। दामन समाप्त फिर मोमिन दामन अली अकबर का बहन थाम के बोली भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी। बंद मुलाहिजा करें हजरात जहां जहां भी तशरीफ फरमाए। दामन अली अकबर का बहन थाम के बोली हाय अब और सकीना को ना तड़ पाइए भैया, अब और सकीना को ना तड़ पाइए भैया, दफना के मुझे कब्र में तब जाइए भैया, के दफना के मुझे कब्र में तब जाइए भैया, अब कौन खबर लेगा बयाबा में हमारी, अब कौन खबर लेगा बयाबा में हमारी। भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी। दामन मुलाहजा फरमाए हजरात मसाइब तसव्वुर करना हो समाप्त करें जहां जहां भी हजरात तशरीफ फरमाए। दामन अली अकबर का बहन थाम के बोली हाय आशूर का ये दिन ये कयामत का सवेरा, आशूर का ये दिन ये कयामत का सवेरा, रन में जो गया सुबह से वापस नहीं आया, के रन में जो गया सुबह से वापस नहीं आया, प्यासों को कज़ा ज़ुल्म के मैदान में आए, प्यासों को कज़ा ज़ुल्म के मैदान में आए, भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी। दाम और ये भी बंद बतौर खास मुलाहजा करें हजरात। दामन अली अकबर का बहन थाम के बोली हाय तुम पास रहो कोई तकाजा
न करूंगी, तुम पास रहो कोई तकाजा न करूंगी, अब भूल के भी प्यास का शिकवा न करूंगी, के अब भूल के भी प्यास का शिकवा न करूंगी, दिल चाक किए देती है अम्मू की जुदाई, दिल चाक किए देती है अम्मू की जुदाई, भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी, मोमिन जहाँ जहाँ भी तशरीफ फरमा है। दामन अली अकबर का बहन थाम के बोली, हाय तुम जो न रहे समझो के बाबा न रहेगे, तुम जो न रहे समझो के बाबा न रहे, वो तुमसे बिछड़ कर कभी जिंदा न रहेंगे, के वो तुमसे बिछड़ कर कभी जिंदा न रहेंगे, बर्दाश्त न कर पाएंगे फुरकत वो पिसर के, बर्दाश्त न कर पाएंगे फुरकत वो पिसर के, भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी, दामन अली अकबर का बहन थाम के बोली, हाय मिलता नहीं अब चैन किसी आन कहीं पर, मिलता नहीं अब चैन किसी आन कहीं पर, देखो वो कमर थाम के बैठे हैं जमीन पर, के देखो वो कमर थाम के बैठे हैं जमीन पर, इस वक्त शहीदी को जरूरत है तुम्हारी, शहीदी को जरूरत है तुम्हारी, भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी, समाप्त कर मोमिन जहाँ जहाँ तशरीफ फरमाए। दामन अली अकबर का बहन थाम के बोली, हाय ना चीज के बारे में भी कुछ सोचिए भैया, ना चीज के बारे में भी कुछ सोचिए भैया, क्या होगा
सकीना का बता दीजिए भैया के क्या होगा सकीना का बता दीजिए भैया मर जाऊंगी इस दाष्ट बयाबा में अकेले मर जाऊंगी इस दाष्ट बयाबा में अकेले भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी दामन और ये भी बंद बतौर खास मुलाहजा करें हजरत जहां जहां भी तशरीफ फरमा है दामन अली अकबर का बहन थाम के बोली हाय बेटों से ज्यादा तुम्हें चाहा है फूफी ने बेटों से ज्यादा तुम्हें चाहा है फूफी ने 18 बरस नाजों से पाला है फूफी ने के 18 बरस नाजों से पाला है फूफी ने हो जाएगी बर्बाद फूफी जा की कमाए हो जाएगी बर्बाद फूफी जा की कमाए भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी दाम आखिरी बंद मुलाहजा करें हजरात जहां जहां भी तशरीफ फरमा दामन अली अकबर का बहन थाम के बोली हाय दुनिया से सफर आखिरी कर जाएगी भैया दुनिया से सफर आखिरी कर जाएगी भैया माँ तुमसे जो बिछड़ेगी तो मर जाएगी भैया के माँ तुमसे जो बिछड़ेगी तो मर जाएगी भैया बर्बाद न यूं कीजिए अम्मा की ज़ैफे बर्बाद न यूं कीजिए अम्मा की ज़ैफ़ी भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी दाम मक्ते का बंद मुलाहजा करें जरा दामन अली अकबर का बहन धाम के बोले हाय खुर्शीद था वो अहमद मुरसल का घराना खुर्शीद था वो अहमद मुरसल का घराना अकबर ने सकीना से खुदा जाने कहा क्या के अकबर ने सकीना से खुदा जाने कहा क्या आवाज न
मौके में से फिर एक बार ये आए, आवाज न खेमे से फिर एक बार ये आए, भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी, भैया तुझे मैदान में जाने नहीं दूंगी। बहुत ही पुरसर नवा अंजुमन अजाय हुसैन सरौजी सुल्तानपुर आपके समातों के हवाले कर रही थी। इनका एक नवा इख्तिताम हो चुका है, एक नवा और अंजुमन अजाय हुसैन सरौजी सुल्तानपुर आपकी खिदमत में पेश करेगी। इस नावे के बाद अंजुमन इमामिया कदीम गोपागंज माओ नवा खानी वसी नजरी करने के लिए आमादा रहेगी। मसरूफ मातम व नवा है अंजुमन अजाय हुसैन सरौली सुल्तानपुर, जिसके साहब आज है एहतसाम अब्बास साहब। भैया की लहत से मैं अभी आई हूँ नाना, मैं पुष्ट पे दुर्रों के निशान लाई हूँ नाना। ज़ैनब ने कहा के वतन आई हूँ नाना, ज़ैनब ने कहा लुट के वतन समाज कर मोमिन जहाँ जावे तशरीफ फरमा। ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना, ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना, मैं पुष्ट पे दुर्रों लाई हूँ नाना। ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना, ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना, ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना, ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आए नाना। मुकद्दर ने हमें दिन ये दिखाया, हम पर ये सितम आपके उम्मत ने है ढाया, बेदीनों ने कुछ रहम न शबीर पे खाया, बेजुर्म खता खून शहीदी का बहाया, बेजुर्म खता खून शहीदी का बहाया, बेजुर्म खता खून शहीदी का बहाया। हाय भैया की लहत से मैं अभी आई हूँ नाना, मैं पुष्ट पे दुर्रों के निशान लाई हूँ नाना। ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना, ज़ैनब समाज कर मोमिन जहाँ जहाँ भी तशरीफ फरमा। ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना,
जब मश्को आलम लेके चले सानिये है दे हाथों से कमर थाम के कहने लगे सरवर लो फूट गया बाल सकीना का मुकद्दर आएंगे ना अब्बास बहन रन से पलट गए आएंगे ना अब्बास बहन रन से पलट गए आएंगे ना अब्बास बहन रन से पलट गए अशकों के गोहर साथ लिए आई हूँ नाना कहा लुट के वतन आई हूँ नाना ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना आशूर को सब कत्ल हुए शह के फदाई शब्बीर पुकारे कि कहा हो मेरे भाई होने को है अब्बास सरो तन में जुदाई देती रही ज़ैनब दर खैमा से दोहाई देती रही ज़ैनब दर खैमा से दोहाई देती रही ज़ैनब दर खैमा से दोहाई हाय मैं भाई के मरने की खबर लुट के वतन आई हूँ नाना ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना बादे शह मज़लूम हुआ जुल्म ये हम पे बांधी गए सैदानिया रस्सी में जकड़ कर वो शाम का दरबार था रे आले पयंबर सैदानिया सर नंगे फिराई गई दर दर सैदानिया सर नंगे फिराई हाय हमरा लिया रंज में आई हूँ नाना मैं पुष्ट पे दुल्लों के निशान लाई हूँ नाना ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना समाज गैर मोमिन जहाँ जहाँ भी तशरीफ फरमा ज़ैनब ने कहा लुट के वतन Thank you.
जैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना। जैनब ने कहा जैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना। जैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना। छीने गए कानों से सकीना के भी गाँव है। रो रो के ये कहने लगी शब्बीर की दुख तय। कह दो ये तराई में चचा जान से जा कहे। दुर्रों से सितम ढाते हैं हम पर ये सितम गए। दुर्रों से सितम ढाते हैं हम पर ये सितम गए। दुर्रों से सितम ढाते हैं हम पर ये सितम गए। हाय जिंदा में लहद उसकी बनाई हूँ नाना। मैं पुष्ट पे दुर्रों के निशान लाई हूँ नाना। जैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना। बंद बतौर खास मुलाहजा करें हजरा। जैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना। हाय नाना न रुक पाएगी अशिकों की रवानी। पाया न दमे मर्ग नबी जादे ने पानी। टुकड़े हुई यूं कासिम अकबर की जवानी। हाथों पे मिटी शाह के बाल की निशानी। हाथों पे मिटी शाह के बानों की निशानी। हाथों पे मिटी शाह के बानों की निशानी। हाय जंगल में भरे घर को लुटाई हूँ नाना। लाई हूँ नाना। जैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना। जैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना। हाय नाना हमें करबो बला रास नाए। बर्बाद हुई दश्त में अम्मा की कमाई। एक बूंद भी पानी की किसी ने नहीं पाए। पानी के लिए जान सभी ने है गवाई। पानी के लिए जान सभी ने है गवाई। पानी के लिए जान सभी ने है गवाई। हाय हमरा यतीमों को लिए आई हूँ नाना। मैं पुष्ट पे दुर्रों के निशान लाई हूँ नाना। जैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना। आखिरी बंद मुलाहजा करें हजरात। जहाँ जहाँ भी तशरीफ फरमा।
ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना। सुगरा को भला किस तरह मुँह अपना दिखाऊं, पूछेगी जो असगर को तो क्या उसको बताऊं। ऐ नाना बताओ मैं कहाँ लौट के जाऊं, किस तरह से रुदाद जफाओं की सुनाऊं, किस तरह से रुदाद जफाओं की सुनाऊं, किस तरह से रुदाद जफाओं की सुनाऊं। हाय सज्जाद को आफत से बचा लाई हूँ नाना, मैं पुष्ट पे दुर्रों के निशान लाई हूँ नाना। ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना। मक्ते का बंद मुलाजा करें सर। ज़ैनब ने कहा लुट के वतन आई हूँ नाना, था कर्ब में डूबा हुआ उस वक्त का मंजर, बेचैन थी मरकद में बहते रूहे पयंबर। रुदाद जफा नाना के रोजे पे सुना कहे, बेताब बहत कह के हुई ज़ैनब मुज़्तहे, बेताब अब बहुत कह के हुई ज़ैनब मुज़्तहे, बेताब बहुत कह के हुई ज़ैनब मुज़्तहे। हाय सदमा मैं बहत्तर का उठाई हूँ नाना, मैं पुष्ट पे दुर्रों के निशान के वतन आई हूँ नाना। नहीं